दोस्तों जल्दी से अपने चैनल आवरग्रुप जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना ऐसे। हमने पिछले दो लेक्चर्स में यहाँ तक पढ़ लिया था ऐसे। कहाँ तक? हैंस मेट स्वीडन लंदन तक। तो यहाँ तक अपना ऐसे हो चुका है ऑलरेडी, है ना। अब हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो, वी ओनली नो ऑफ वन कन्फाउंडिंग, नॉट टू से कन्फाउंडेड आर्ग्यूमेंट फिट टू ओवरटर्न द ह्यूज लग्जरी द एनॉर्मस ब्लिस ऑफ द वाइज इन क्वेश्चन। तो बोल रहे हैं कि अब देखो, वो ऐसे बोल रहे हैं कि केवल एक ही ऐसी चीज है जो बोल सकते हैं कि थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है या कंफ्यूजिंग है, वो ये है जो कि इस पूरी लग्जरी को ओवरटर्न कर सकती है। यानी कि जो ये सुबह सोना, ये लंबा सोना जो है ना, इसको बदल सकती है, पलट सकती है, मतलब इसको मात दे सकती है एक तरीके से, जो इसके अगेंस्ट में जाती है। इस इनॉर्मस ब्लिस, इनॉर्मस ब्लिस इसी को बोला जा रहा है, सुबह लेट तक सोने को। मतलब जो ये सुबह लेट तक सोना, आराम से आप गरम गरम बेड में रजाई में पड़े रहते हो, तो इसको इनॉर्मस ब्लिस बोला जा रहा है। तो इसको ओवरटर्न करना, इसको पलट देना या इसको डिफीट कर देने में एक ही चीज ऐसा है, एक आर्गुमेंट जो है वो ये है कि बेसिकली जो कि एक तरह से इस सवाल में पता लगता है, मतलब वाइस इन क्वेश्चन, मतलब इस चीज में आप लेट तक सोते हो, इस चीज में वो एक बुराई के रूप में निकल के आती है एक तरह से। वो क्या चीज है, मतलब जिसकी बोल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रडिक्ट करती है इस पूरे सोने को, वो एक्चुअल में भी पता चलेगा आपको कि देखो, अ लायर इन बेड मे बी अलाउड टू प्रोफेस अ डिसइंटरेस्टेड इंडिफरेंस फॉर हिज हेल्थ और लॉन्गेविटी। ठीक है, आपने माना कि एक जो बेड में सोने वाला व्यक्ति है, लायर इन बेड, इन जो बेड में पड़ा रहता है, लेट तक सोता है, उसको चलो अलाउ किया जाता है कि भाई तुम अपना डिसइंटरेस्ट शो कर दो, मतलब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम इंडिफरेंस रहोगे अपनी हेल्थ के प्रति और अपनी लॉन्गेविटी के प्रति। तुम्हें कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तुम बिल्कुल ही इंडिफरेंट हो, बेपरवाह हो एक तरीके से, ठीक है। यानी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मैं लंबा जीऊं कि नहीं जीऊं, मैं स्वस्थ रहूं कि नहीं रहूं, ठीक है, तुम्हारा पूरा हक है, तुम्हें दिया जाता है। तुम खुद को डिक्लेयर कर सकते हो कि भाई मुझे हेल्थ की या लॉन्गेविटी की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। बट व्हाइल ही इज शोइंग द रीजनेबलनेस ऑफ कंसल्टिंग हिज ओन और वन पर्सन कंफर्ट, ही मस्ट एडमिट द प्रोपोर्शनेट क्लेम ऑफ मोर देन वन। परंतु देखो, जब वो ऐसा बोल रहा है कि भाई तुम्हारी, तुमने चलो ठीक है खुद के बारे में, वन पर्सन कंफर्ट के बारे में तुम सोचा, तुम्हारी सोच तुम्हारे बारे में ठीक है, चलो तुम्हें खुद की परवाह नहीं है, तुमने मान लिया, तो तुम्हें खुद के कंफर्ट से कोई मैटर नहीं करता। तो एक पर्सन के कंफर्ट तक तो ये बात ठीक थी, केवल एक पर्सन तक अगर ये लागू होती तो ये बात ठीक थी, तुम तक ही लिमिटेड थी तो ठीक ठीक थी। बट तुम्हें एक बात और एडमिट करनी पड़ेगी, यानी ही मस्ट एडमिट, उस पर्सन को एक बात और एडमिट करनी पड़ेगी कि बात सिर्फ उस तक ही नहीं है। ही मस्ट एडमिट द प्रोपोर्शनेट क्लेम ऑफ मोर देन वन, कि तुम्हारी हेल्थ से जुड़े हुए एक से ज्यादा लोगों के क्लेम है। यानी कि अब एक व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो उसके रिश्तेदार तो होंगे ना, फैमिली वाले तो होंगे, तो मतलब उसकी बीमार पड़ने से वो बाकी लोग भी परेशान होंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारी हेल्थ पे सिर्फ तुम्हारा ही क्लेम नहीं है, तुमसे अधिक भी कई लोगों का क्लेम है। एंड द बेस्ट वे टू डील विद हिम इज दिस, स्पेशली फॉर अ लेडी, फॉर वी अर्नेस्टली रिकमेंड द यूज ऑफ दैट सेक्स ऑन सच ओकेशन। तो ये बोल रहे हैं देखो, ऐसे व्यक्ति से जो बेस्ट तरीके से डील कर सकता है ना, वो एक लेडी होगी भाई। एक लेडी ही, मतलब वही बोल सकते हैं जेंडर, वही सेक्स है जो कि बेसिकली ऐसे ओकेशन पे सबसे सही ढंग से हम उसको रिकमेंड करते हैं, मतलब वी अर्नेस्टली रिकमेंड, हम रिकमेंड करते हैं कि लेडी ढंग से डील करेगी। कैसे? देखो, इफ नॉट समवट ओवर परसुएसिव सिंस एक्सट्रीम्स हैव एन ऑकवर्ड नेक ऑफ मीटिंग। क्योंकि देखो, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परसुएसिव नहीं है, कहने का मतलब है कि ऐसे कंडीशन में जब व्यक्ति मान नहीं रहा है, सुबह जल्दी उठ नहीं रहा है, लेट तक सो रहा है, मतलब तो उसको परसुएड कोई मना सकती है तो वो एक लेडी हो सकती है। तो क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, फर्स्ट देन एडमिट ऑल द इंजीनियसनेस ऑफ व्हाट ही सेज, टेलिंग हिम दैट द बार हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ एन एक्सलेंट लॉयर। तो बोल, देखो तरीके क्या है, तरीके, अगर सामने वाला व्यक्ति इतना इजीली मानता नहीं है, इतना परसुएसिव नहीं है वो, है ना, या ओवर परसुएसिव नहीं है, या फिर इजीली मान नहीं सकता, उसे मनाया नहीं जा सकता इजीली, तो फिर क्या किया जाएगा? तो देखो, सबसे पहले तो एडमिट करो दैट वो जो व्यक्ति जो सोता है बहुत लेट तक, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। एडमिट करो पहले तो उसको, उसके सामने जाके एक्सेप्ट कर लो कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा इंजीनियस पर्सन हो, है ना, एंड टेलिंग हिम दैट द बार हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ एन एक्सटेंट लॉयर। और भाई उससे बोलो कि जो कोर्ट है, जो बार है ना, जहाँ पे बार क्या होता है, एक बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसमें मतलब जो लॉयर होते हैं खुद को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसका खुद को पंजीकृत करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, एंड आफ्टर दैट वो बेसिकली कोर्ट में जाके केसेस लड़ सकते हैं जब बार में रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनका। तब तो उससे जाके बोलो भाई तुम तो एक बहुत ही बुद्धिमान हो, इंजीनियस हो, और तुम तो एक एक्सीलेंट लॉयर हो सकते थे,
मतलब बार ने, या फिर बोल सकते हो कोर्ट्स ने, एक बहुत ही एक्सलेंट लॉयर खो दिया है, डिप्राइव्ड, वो बोल सकते हो कि एक एक्सलेंट लॉयर से रहित रह गए हैं, मतलब उसके एक उनको एक लॉयर नहीं मिल पाया इतना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो शुरू से आर्गुमेंट दे रहा है लेट सोने के फेवर में, और उसने इतने ढंग से आर्गुमेंट दिए इतने सारे कि भाई लेट सोने में कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे आर्गुमेंट, मतलब तुम तो एक बहुत अच्छे लॉयर हो सकते थे, तुम तो किसी भी केस को डिफेंड कर सकते हो, तुम तो लेट सोने को डिफेंड कर रहे हो, है ना। तो बार ने एक बहुत ही अच्छा लॉयर खो दिया एक तरीके से, वो उसके बिना रह गया, ठीक है। देन लुक एट हिम इन द मोस्ट गुड नेचर्ड मैनर इन द वर्ल्ड। और उसके बाद में ऐसी तारीफ करने के बाद में, स्टार्टिंग में तो तारीफ करो उसकी कि भाई तुम तो इतने एक्सलेंट लॉयर हो सकते थे, है ना। और उसके बाद में फिर उसकी तरफ देखो, देन लुक एट हिम, यानी उस व्यक्ति की तरफ देखो जो लेट सोता है, और किस तरीके से देखना है, इन द मोस्ट गुड नेचर्ड मैनर इन द वर्ल्ड, मतलब बहुत ही अच्छे व्यवहार से देखो उसकी तरफ, है ना, विद ए मिक्सचर ऑफ एसेंट एंड अपील इन योर काउंटेनेंस। और अपनी आवाज में दो चीजों का मिक्सचर लाओ, एसेंट का और अपील का, यानी कि आप एक तो उसकी बात में हामी भर रहे हो कि हाँ ठीक है तुम लेट सोते हो, बात सही है, तुम्हारी मर्जी, मतलब एक तरीके से उसकी बात में हामी भरोगे और साथ में अपील भी करोगे उससे, गुजारिश भी करोगे, मतलब तुम्हारे जो कहने का जो तरीका होगा ना उसमें एसेंट और अपील दोनों आनी चाहिए, ठीक है। एंड टेल हिम दैट यू आर वेटिंग ब्रेकफास्ट फॉर हिम, और फिर उससे बोलना कि तुम उसका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हो, मतलब देखो पहले तो उसकी तारीफ करना, तारीफ करके थोड़ा उसको चढ़ाना ऊपर, है ना, फिर उसके बाद में उसकी बात में हमें हम मिलाना, और प्लस थोड़ा सा रिक्वेस्ट का भाव लाना, और फिर उसके बाद में बोलना कि देखो अब तुम तो लेट सोते हो, कोई बात नहीं, सही बात है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, बट मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट पर वेट कर रही हूँ, है ना, किसी लेडी को करने के लिए बोला गया है सब कुछ, ठीक है, कि मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट पे वेट कर रही हूँ। दैट यू नेवर लाइक टू ब्रेकफास्ट विदाउट हिम, और तुम उससे ये भी बोलना कि भाई तुम्हें ना उसके बिना ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, दैट यू रियली वॉन्टेड टू, और तुम सही में चाहते हो कि तुम उनके साथ में ब्रेकफास्ट करो। अब दैट द सर्वेंट्स वॉन्ट देयर एंड दैट द सर्वेंट्स वॉन्ट देयर्स दैट यू शैल नॉट नो हाउ टू गेट द हाउस इन ऑर्डर। और देखो, और आपको सर्वेंट भी याद कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को इंपॉर्टेंट फील करवाओ कि भाई तुम कितने इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, कि मैं तो तुम्हारे बिना ब्रेकफास्ट ही करना पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट पे वेट कर रही हूँ, उसको ऐसा इंपॉर्टेंट फील करवाओ। और इससे बोलो कि जो नौकर है ना उनको भी आपकी जरूरत है, दैट दे शैल नॉट नो हाउ टू गेट द हाउस इन टू ऑर्डर, और उनको पता नहीं है नौकरों को घर को सुव्यवस्थित कैसे रखना है, सही ढंग से मैनेज कैसे करना है, अनलेस ही राइज, जब तक कि आप उठ नहीं जाओगे नौकरों को समझ नहीं आएगा कि हाउस को ढंग से कैसे रखना है। एंड दैट यू आर श्योर ही वुड डू थिंग्स 20 times वर्स इवन देन गेटिंग आउट ऑफ हिज वार्म बेड। और तुम फिर उसके बाद में देखो, मतलब तुम जो इतनी तारीफ कर दोगे, इतनी उतना इतना इंपॉर्टेंट फील करवा दोगे, तो तुम्हें एक बात कंफर्म कर देता हूं मैं कि वो व्यक्ति, उठना तो एक छोटी सी बात है, मतलब अपने गरम गरम बेड से उठना तो एक छोटी सी बात है, वो उससे 20 गुना बुरे काम करने को तैयार हो जाएगा, इतनी तारीफ इतनी इंपॉर्टेंस फील करने के बाद में वो व्यक्ति 20 गुना बुरे काम, मतलब बेड से बाहर आने से भी 20 गुना बुरे काम करने को रेडी हो जाएगा वो। और टू पुट देम ऑल इनटू गुड ह्यूमर एंड स्टेट ऑफ कंफर्ट, मतलब कहने का मतलब है कि उससे ये सब तुम सामने बहुत ही गुड ह्यूमर में और बहुत ही वैसे बोलोगे, तो वो अपने वार्म बेड से बाहर आके, मतलब बिल्कुल अच्छे मूड में, वो 20 गुना बुरे काम करने को तैयार हो जाएगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, स्टेट ऑफ कंफर्ट से बाहर आके। देन आफ्टर हैविंग सेड दिस, थ्रो इन द कंपैरेटिवली इनडिफरेंट मैटर टू हिम अबाउट हिज हेल्थ, और ये सब बोलने के बाद में फिर उससे वो बात करना, कौन सी, कंपैरेटिवली इनडिफरेंट मैटर, ऐसा मैटर जिसके प्रति वो इतनी परवाह ही नहीं करता, उसके सामने फिर वो मैटर सामने उसके फेंकना। देन आफ्टर हैविंग सेड दिस थ्रो, मतलब सामने वो मैटर रखना, वो मैटर क्या है, अबाउट हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ के बारे में। बट टेल हिम दैट इट इज नो इनडिफरेंट मैटर टू यू, दैट द साइट ऑफ हिज इलनेस मेक्स मोर पीपल सफर देन वन, पर उसको ये भी बोलना कि ये तुम्हारे लिए इनडिफरेंट मैटर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब तुम इसे इनडिफरेंट मत समझो अपनी हेल्थ को, तुम इसकी तरफ बेपरवाह मत हो, कारण ये है क्योंकि द साइट ऑफ हिज इलनेस, कि तुम्हारे बीमार होने का नजारा देख के, तुम्हें बीमार होते हुए देखकर, मेक्स मोर पीपल सफर देन वन, कि एक से ज्यादा अधिक लोग भी सफर करते हैं, मतलब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हें देख के तुम्हारी परवाह करने वाले लोग भी मतलब परेशान होंगे। बट दैट इफ नेवर दी लेस ही रियली डज फील सो वेरी स्लीपी एंड वेरी मच रिफ्रेश्ड बाय। अब देखो, अगर फिर भी ये सब कहने के बाद में भी अगर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्लीपी फील करे, यानी उसको बहुत नींद आ रही है, एंड सो वेरी मच रिफ्रेश्ड बाय, येट स्टे वी हार्डली नो वेदर द फ्रेल्टी ऑफ ए यस यस से दैट थ्रू, स्पेशली इफ यू से इट विद सिंसियरिटी, तो फिर ठीक है,
अब वो रुकना चाहता है बेड में, येट स्टिल ठहरना चाहता है। अब देखो ऐसा है कि इंसान की कुछ कमजोरियां होती है जिनके सामने वो झुका रहता है ना। तो ठीक है, तुम भी उसकी बात में हाँ में हाँ मिला लेना, ठीक है कुछ समय के लिए। अब ऐसी जो जिद होती है उसकी कि हाँ मुझे तो नींद आ रही, मैं तो फिर भी सोऊंगा, ये जो चीज है ना, अगर तुम सिंसियरिटी से उसकी बात एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है तुम्हें नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, परंतु तुम्हें सिचुएशन तो मैंने पूरी समझा ही दी है कि भाई तुम्हारा लोग बाहर वेट कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहते तुम बीमार पड़ो, वो सब सिचुएशन तो समझा ही दी है। तो अब जो ह्यूमन वीकनेस है ना, ह्यूमन नेचर की जो वीकनेस है, वो क्या है कि एक तरफ तो आप में कमी है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप उस कमी के होने के बावजूद भी रेसिस्टेंस शो करते हो, यानी कि फॉर इज द वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर ऑन द वन हैंड एंड द विस इनर्शिया ऑन द अदर। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस, विरोध एक तरीके से, दूसरी तरफ आप विरोध करते हो उस कॉन्ट्रैक्ट, उस सिचुएशन के विपरीत जाने को, यानी आपको लेट सोना पसंद है, ये आपकी कमी है, परंतु अगर आपको कोई उठाने की कोशिश करता है तो आप उसका रेसिस्ट करते हो, उसको उसका विरोध करते हो। तो ये सिचुएशन एक्चुअली अब जैसे कि पूरा है कि आपको इतना मतलब इंपॉर्टेंट फील करवाया, वो सारी सिचुएशन समझाई, उसके बाद में भी आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हो, तो ठीक है सामने वाला व्यक्ति मतलब कुल मिला के आप उसकी बात में हाँ मिला लेना, कुछ वो क्या होगा इससे, क्या होगा, क्या इससे ये होगा कि शुड लीड हिम टू टेक एडवांटेज ऑफ इट वंस और ट्वाइस, गुड ह्यूमर एंड सिंसियरिटी फॉर्म एन इरेसिस्टिबल जंक्शन एट द लास्ट। कि भाई ठीक है, वो व्यक्ति एक या दो बार ही ऐसा कर पाएगा, मतलब आपकी बात को नजरअंदाज कर पाएगा, क्योंकि जो अगर कोई बहुत गुड ह्यूमर और सिंसियरिटी, बहुत सिंसियरिटी से बात बार बार बोलेगा उसको और बार बार उसको समझाने की कोशिश करेगा, तो आपको एक बात पता है इरेसिस्टिबल जंक्शन एट लास्ट, की जो अच्छा व्यवहार होता है ना वही आखिर में लास्ट रिजॉर्ट है, आदमी मान ही जाता है उसके सामने, झुक ही जाता है। एंड आई स्टिल बेटर एंड वार्मर थिंग्स देन पिल्लोज एंड ब्लैंकेट्स, और उसको समझ में आ ही जाता है कि दुनिया में तकिए और कंबलों से भी गर्म चीजें और भी हैं, यानी कि मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेवियर, जहां आपको इतना इंपॉर्टेंट फील कराया जा रहा है, वो चीजें तकिए और कंबलों से भी ज्यादा वार्म है या बहुत ज्यादा आराम देने वाली है। तो देखो अदर लिटिल हेल्प्स ऑफ अपील मे बी थ्रोन इन एज ओकेशन रिक्वायर्स, कुछ और अपील यानी सामने वाले को उठाने के लिए कुछ दूसरी चीजों की कुछ और अपील है जिनकी हेल्प ली जा सकती है, मतलब जो उसके सामने परिस्थितियों को देखते हुए रखी जा सकती है उस व्यक्ति के सामने जो सोता है बहुत ज्यादा। कौन कौन सी अपीलें, देखो ऐसा है कि यू मे टेल ए लवर, मान लो सपोज वो आपका लवर है तो आप उसको बोल सकते हो, फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल दैट लाइंग इन बेड मेक्स पीपल कॉर्पुलेंट, कि आप उसको बोलोगे भाई लोग जो पड़े रहते हैं ना बेड में वो मोटे हो जाते हैं कॉर्पुलेंट, ठीक है, तो ये सुन के वो व्यक्ति खड़ा हो जाए, क्या पता उसको अपने सोचे कि भाई मैं तो मोटा हो गया हूँ, क्यों ऐसा क्यों बोलना चाह रहा है। देखो ऐसा इसलिए बोल रही है कि मान लो आप लेडी हैं और आप अपने लवर को ऐसे बोलते हैं कि तुम तो मोटे हो जाओगे, तो सामने वाले को सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि लड़की को मोटापा पसंद नहीं है इसका मतलब, और अगर मोटापा पसंद नहीं है तो आज तो मैं इसका लवर हूँ, पता चला कि कल को ये मेरे को छोड़ के चली जाए, ये बोलते तुम तो मोटे हो गए हो, अब तो तुम मुझे पसंद नहीं आ रहे हो, मुझे तुम पे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसलिए ये सोच के क्या पता वो व्यक्ति जल्दी बेड से खड़ा हो जाए कि भाई मैं मोटा तो नहीं हो जाऊंगा कहीं। अ फादर दैट यू विश हिम टू कम्प्लीट द फाइन मैनली एग्जाम्पल ही सेट्स हिज चिल्ड्रन। अब दूसरा मान लो सपोज आप एक फादर हैं, तो सामने सोने वाला व्यक्ति एक फादर है मान लो, तो उस वो चाहेगा कि वो अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करे अपने बच्चों के सामने, तो अगर बच्चों के सामने वो सोता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है जब उसके सामने ये बात रखी जाएगी तो अपने बच्चों के सामने क्या एग्जाम्पल पेश कर रहे हो इतना लेट सो के, तो व्यक्ति उठ जाएगा, जग जाएगा। अ लेडी दैट शी विल इंजर हर ब्लूम और हर शेप, अगर सामने वाली सोने वाली एक लेडी है तो उससे बताओगे कि भाई तुम तो अपनी जो ब्लूम एंड शेप, यानी तुम अपनी खूबसूरती, अपनी जो आकार है, तुम्हारा बॉडी शेप है जो तुम अच्छी हेल्थ में मेंटेन की हुई हो, वो हेल्थ बिगड़ जाएगी तुम्हारी, तुम डी शेप हो जाओगी, मतलब तुम्हारी शेप बिगड़ जाएगी, ठीक है। विच एम ओ डब्ल्यू एडमायर सो मच, अब एम ओ डब्ल्यू शॉर्ट में किन के नाम दे रखे हैं कि कोई लेडी है एम ओ डब्ल्यू जो कि बहुत ज्यादा अच्छी शेप यानी अच्छी बॉडी को मेंटेन रखने की फेवर में है, जो बहुत ज्यादा प्रशंसा करती है अच्छी बॉडी की, तो मतलब तुम उस तरह की एक अच्छी बॉडी को खोदोगे अगर तुम लगातार सोती रहोगी तो। एंड ए स्टूडेंट और आर्टिस्ट दैट ही इज ऑलवेज सो ग्लैड टू हैव डन ए गुड डेज वर्क इन हिज बेस्ट मैनर, और अगर सुनने वाला व्यक्ति एक स्टूडेंट या आर्टिस्ट है तो उसको बताओ कि भाई तुम एक अच्छे दिन, तुम एक अच्छा काम खोदोगे, मतलब तुम एक दिन बहुत बढ़िया काम कर सकते थे, गुड डेज वर्क, वो काम तुम मतलब जो बहुत अच्छे ढंग से बेस्ट मैनर में कोई काम कर सकते थे वो काम तुम करने का मौका खो रहे हो ऐसे लेट तक सोकर, ठीक है। ये सब आप बोलोगे इन व्यक्तियों से अलग अलग सिचुएशंस पे तो ये लोग मान सकते हैं जल्दी उठने को, ठीक है। अब आगे देखो रीडर एंड प्रे मिस्टर इंडिकेटर हाउ डू यू बिहेव योरसेल्फ इन दिस रेस्पेक्ट, अब यहाँ पर क्या है मिस्टर इंडिकेटर इज कौन है, ये तो राइटर है ना, ये तो राइटर है, और रीडर है कोई इमेजिनरी पर्सन है जैसे कोई लेडी है, ठीक है, तो एक लेडी है वो बोल रही है कि
एक्सक्यूज मी मिस्टर इंडिकेटर, हाउ डू यू बिहेव योर सेल्फ इन दिस रिस्पेक्ट, कि एंड प्रे का मतलब है एक्सक्यूज में बोल सकते हो, ठीक है, कि आप किस तरह से बिहेव करेंगे इस सिचुएशन में, मतलब क्या आप सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में से, मतलब वो ये पूछना चाह रही है। तो राइटर बोल रहा है कि ओ मैडम परफेक्टली ऑफ कोर्स लाइक ऑल एडवाइजर्स, कि हाँ मैडम बिल्कुल जैसे सब लोग एडवाइस करते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, मैं तो उन्हीं के जैसा हूं, मतलब उसी बात में फेवर करता हूँ कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। रीडर नहीं आई अलाउ दैट योर मोड ऑफ आर्गुमेंट डज नॉट लुक क्वाइट सो सस्पिशियस, पर जो लेडी है वो रीडर वो बोल रही है कि देखो ऐसा है कि आपका जो आर्गुमेंट करने का तरीका है ना वो तो इतना कोई सस्पिशियस नहीं लगता मुझे, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं हो रहा है, आपने सही आर्गुमेंट रखे हैं एज द ओल्ड वे ऑफ सर्मनाइजिंग एंड सीवियरिटी, यानी जो पुराने तरीके के जो भाषण देने के तरीके होते थे, सरमन देने के, प्रवचन देने के तरीके होते थे, उनकी तरह आपका मतलब मुझे आर्गुमेंट करने का तरीका कोई बहुत ज्यादा सस्पिशियस तो नहीं लग रहा है, मतलब परसुएसिव ही लग रहा है, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करती हूँ, बट आई हैव माई डाउट्स, मुझे एक मतलब डाउट है, मेरे को मेरे खुद के मतलब कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्यों हैं, स्पेशली फ्रॉम दैट लाफ ऑफ योर्स, कि आपने जो ये बात बोली है ना उसमें हंसी आई है मुझे, हंसी नजर आ रही है आपके चेहरे पे, मतलब तो मुझे उस हंसी पर डाउट है एक्चुअली, इफ आई शुड लुक इन टुमारो मॉर्निंग, क्या मुझे सुबह आके देखना चाहिए आपके घर में, मतलब कि आप कितने बजे उठते हो, वो ये पूछ रही है। तो इंडिकेटर बोलता है हाँ मैडम लुक इन ऑफ ए फेस लाइक यूर्स डज एनीथिंग विद मी, तो बोलते कि अरे मैडम आपका चेहरा देख के तो मतलब कोई कुछ भी कर लेगा, मतलब आप तो इतनी सुंदर इतनी रिफ्रेशिंग, वो आपको देख के तो कोई कभी भी उठ जाएगा, मतलब कहना वही चाह रहा है। इट शैल फैच मी अप एट 9, देखो आपका चेहरा देख के तो मैं 9 बजे उठ जाऊंगा सुबह, इफ यू प्लीज 6, इतने में बोलता है कि अच्छा मतलब 6 बजे उठ जाऊंगा, आई मीन टू से मैं ये कहना चाह रहा था। तो देखो लास्ट लाइन में पोल खुल गई कि राइटर कितने बजे उठता है, अब वो बोल रहा है कि आपका चेहरा तो ऐसा है कि कोई कुछ भी कर ले इसको देख के, मतलब कोई सुबह जो लेट उठता है वो जल्दी उठ जाएगा आपका चेहरा देख के, तो मैं भी 9 बजे उठ जाऊंगा, तो पहली बार जो वर्ड बोल दिया ना वही सच है, कहने का मतलब है आदमी जिसको आदत है ना वो वही बोलेगा जो कि एक्चुअल में वो करता है, तो मैं तो 9 बजे उठ जाऊंगा, फिर बोलता है ओ इफ यू प्लीज 6, ओ मतलब मेरा कहने का मतलब 6 बजे उठ जाऊंगा, बाद में भले ही ढकता रहे बात मुंह से निकल गई जो निकल गई, इसका मतलब ये बंदा 9 बजे से भी लेट उठता है, इसको देख के तो 9 बजे उठेगा ये, पता नहीं 10 बजे उठता होगा 11 12 कितने बजे उठता होगा, तो इस लेडी को देख के तो 9 बजे उठेगा, तो फिर बोलता है अरे नहीं नहीं 6 बजे, मतलब मेरा कहने का मतलब 6 बजे, तो यहाँ पर ये जो 9 है ना ये 9 बजे उठने की जो बात के मुंह से निकली गलती से ही, ये एक्चुअल में ट्रूथ है, ये शो करती है कि दैट इज जो राइटर है ना ये लेट तक सोता है। तो बच्चों देखो ये अपना ऐसे हो गया कंप्लीट, अब इसके जो नोट्स होंगे ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, इस ऐसे से रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे ना, कि भाई इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस जो होगा इस ऐसे का, वो क्रिटिकल एनालिसिस मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा आपके साथ में, उसकी पीडीएफ शेयर करूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा उसका, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और उसको समझ लेना देख लेना, मैं वीडियो डालूंगा। तो ठीक है बच्चों अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर, ये वीडियो बाकी बच्चों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, मिलूंगा जल्दी, टेक केयर, गुड नाइट।